वेलकम अगेन टू अवर चैनल। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो आज हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। सो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रेस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले मैप की ज़रूरत होगी, ठीक है। बेसिकली हमें लोकेशन वैसे याद रखनी चाहिए कि एक रैंडम आइडिया तो होना चाहिए, रफ आइडिया कि कौन सा स्टेट किस जगह पर लाई करता है। तो हम इसके लिए मैप की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है जम्मू कश्मीर और गोवा की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू बिहार। तो यहाँ पे देखिए, ये बिहार है और ये जम्मू एंड कश्मीर है एंड ये गोवा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रेस्पेक्ट टू बिहार। अब आप जम्मू कश्मीर की इधर से ये बिहार है, इधर से जम्मू कश्मीर की लोकेशन क्या पड़ रही है बताइए, ठीक है। और अब इधर से ही गोवा की लोकेशन क्या पड़ रही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, लोकेशन होगी इसकी नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नॉर्थ वेस्ट ये बिहार हो गया, ये अगर आप यहाँ होते सेंट्रल में ये नॉर्थ होता। अब आप इधर खिसके हो, ठीक है। तो ये वाला जो आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और इधर से इसको देखिए, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो सबसे फर्स्ट ये होगी नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज स्लोवेस्ट। हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस करना है, किस चीज़ में सबसे स्लोवेस्ट होगा। फर्स्ट है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज। हमने एक टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज कर दिया और एक जिस ये मान लो हमने बर्तन लिया, इसमें हमें पानी है, तो हमने इसका सरफेस एरिया मतलब इसको भी बड़ा कर दिया और हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, ठीक है इस केस में। सेकंड केस है हमारे पास द सरफेस एरिया इंक्रीज बट टेम्परेचर डिक्रीज। अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तो पानी तो ज़्यादा होगा, आग तुम कम दे रहे हो, इसमें जो हीट दे रहे हो कम दे रहे हो, तो एवेपोरेशन तो कम ही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज बट टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। सरफेस एरिया डिक्रीज बट टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, ये हो सकता है। बट फोर्थ में सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने इसमें आपको सबसे कम दिखाना ना, तो आपने इसका सरफेस एरिया भी सबसे कम कर दिया और इसमें टेम्परेचर भी आपने मिनिमम कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्लोवेस्ट होगा सबसे कम, ठीक है। बढ़ते तो हमारा इसमें एग्जाम क्वेश्चन में इसमें आंसर होगा फोर्थ सही। बढ़ते 63 पे, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शनल स्किल्स, सेकंड है मैपिंग स्किल एंड थर्ड है पोजिशनल स्किल, फोर्थ है ग्राफिक स्किल। सपोज आप एक कुछ टीचर ने आपको एक ग्राफ पेपर दिया है, आपको उसमें कुछ लोकेशन निकालनी, तो आपकी कौन सी स्किल को करते हैं आप। पोजिशनल स्किल तो आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जैसे आपने मैप में देखा था वो होता है, लेकिन जो आपको लोकेशन डिफाइन करना है वो सब एक किस में आता है, ग्राफिक स्किल में। तो बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल स्टडी टू बी टॉट एज एन इंटरग्रेटेड करिकुलर एरिया एट प्राइमरी लेवल। कौन सा NCF, हमारे पास NCF 4 NCF आए, कौन से NCF ने इंटरग्रेटेड एजुकेशन की बात की है बताइए। NCF 2005, NCF 19, NCF 1988 और NCF 2000, NCF 1975 ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 पे, विच रीजन हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। कौन सा रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक ट्रेंड है वहाँ पे कि जो शिफ्ट अपना कल्टीवेशन उन्होंने खेती की, जब खेती करते हैं अगर ये खेती बंजर हो गई तो इस पार्ट को वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बंजर हो गई फिर इधर आ जाएंगे, इस पार्ट को वो यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो किस इंडिया के किस रीजन में ये ट्रेंड चलता है बताइए मुझे आंसर फटाफट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट कौन सा रीजन होगा बताइए। ये नॉर्थ है, ये हमारे पास कौन सा रीजन है, ये हमारे पास है नॉर्थ रीजन, ठीक है, ये नॉर्थ होता है। और ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे पास ईस्ट है, मतलब जो इसके अंडर एरिया आएगा ना, ठीक है, जो हिली एरिया है थोड़ा, मतलब यहाँ पे हिल जाते हैं ना, हिमालय रेंज, तो यहाँ पे कौन सी वो होगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन फ्रॉम रिवर डैम्स। जो रिवर डैम है उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इस नोट पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट है डैम एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, सेकंड है इट डज नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। फर्स्ट है देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसमें, और ये एयर को भी पोल्यूट नहीं करता भाई, पानी की जन आप बिजली बना रहे हो, पानी से टर्बाइन घूम रही है, वो कौन सा पोल्यूशन करेगी। थर्ड है हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। एंड फोर्थ है डैम्स डिस्प्लेस इंडिजीनियस पीपल्स फ्रॉम देयर रिवर लाइफ लाइन। बताइए आप मुझे 66th आंसर। डैम्स नॉट ट्रू पूछा, डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होता ना, आप सपोज आपके इलाके में बिजली आ गई तो डैम से बिजली बनी, बिजली से आपने कोई फैक्ट्री या कोई आपने कुछ अपना स्टार्टअप चलने शुरू हुए, लोगों ने जो उनके हैंडलूम थे उनसे पावर लूम पे आ गए, तो एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा ना, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो इन्होंने नोट ट्रू पूछा है, तो हम इसका आंसर फर्स्ट लगा देंगे और आगे बढ़ते हैं 67 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस है कौन कौन सी है, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है वाटर वेपर, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है हमारी, ठीक है, मीथेन भी, जैसे एक ऐसा होता है ना एक पॉलिथीन ऊपर से एक कवर रहता है तो इधर सनलाइट आती है, ठीक है, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती वापस, मतलब बाहर नहीं जा पाती, तो इसके अंदर एक गैस मतलब बन जाती गैस। तो उसमें कौन कौन सी गैस होती है, फोर्स होती है, मीथेन भी होती है, वाटर वेपर भी होती है। आप देख लीजिए, आप पानी होता है, पानी के ऊपर पोलथीन वोलथीन रख दो, पोलथीन पे वाटर वेपर चिपक जाती है, तो इसमें हमारे लिए सारी गैसेस वहाँ पे अवेलेबल होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते 68 क्वेश्चन पे। वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून। जो कोल्ड डेजर्ट है इंडिया के, जैसे लद्दाख, लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान, वो मानसून से अफेक्ट नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड डेजर्ट हैव नो समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। वहाँ पे जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं उनमें गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। सेकंड है कोल्ड डेजर्ट लाई इन रेन शेडो ऑफ हिमालय। ये बहुत सही लग रहा है, जो हिमालय लद्दाख में कितने ऊँचे ऊँचे हिमालय, तो उनकी शेडो में वहाँ पे मतलब जो इफेक्ट होता है वो मानसून का नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें मुझे सेकंड ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है। थर्ड भी देख लेते हैं, एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, मतलब एक बहुत ही हल्की फुल्की हवा आती है, ये कोई रीज़न नहीं है इसमें। हम बढ़ते हैं फोर्थ पे। कोल्ड डेजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, ये एक इसका अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है। तो बढ़ते हैं, इसका सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ठीक है, अगर ये ताजमहल है, अभी आपने देखा होगा ताजमहल एक संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, वो बिल्कुल वाइट पत्थर होता है, बट नाउ डेज वो येलो मतलब पीलापन उस पर आना शुरू हो गया, वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ एसिड रेन, समझो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन में क्या होता है, मतलब क्या प्रेजेंट होता है एसिड रेन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एंड क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये उसमें प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ताजमहल
पीला दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, पढ़ना शुरू हो जाता है उसकी जो रिएक्शन होती है उसके साथ। सेकंड 17th क्वेश्चन है, हु बिल्ट द गोलकंडा फोर्ट, गोलकंडा फोर्ट किसने बनवाया है? सॉरी, चोला डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी एंड पल्लव डायनेस्टी। तो आप बताइए कौन सी डायनेस्टी ने जो है गोलकंडा फोर्ट बनवाया है। ये काफ़ी बार आ चुका है सीटेट में क्वेश्चन, काकतीय डायनेस्टी। वेरी गुड, काकतीय डायनेस्टी ने गोलकंडा फोर्ट का निर्माण कराया था। बढ़ते 71 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच विद द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड द वॉल्यूम ऑफ 3 ml। बेसिकली आपको जो मास वॉल्यूम डेंसिटी का आपको आता है, तो एक फार्मूला सिंपल है, जो डेंसिटी होती है ना इसको चलो डेंसिटी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, समझिए। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, मास की हमारे पास डेंसिटी कितनी है 15, तो हमने यहाँ रखा 15 इज इक्वल टू, हमसे इसने क्या पूछा मास, मास हमें पता ही नहीं है, हम इसको मास ही लिख देते हैं, अपॉन वॉल्यूम ये हमारे पास है। तो हमें मास निकालने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 15 × 3, ये कितना आएगा 45 ग्राम आ गया हमारा आंसर। तो 45 ग्राम किस में, इसमें, तो हमारे इसमें क्या सेकंड आंसर सही हो गया। बढ़ते 72 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेसिकली, इस क्वांटिटी बेसिकली दो तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। सपोज मास है, मैं मास की और फोर्स की बात करता हूँ, ठीक है, आपका आपने एक ऑब्जेक्ट लिया उसमें 10 मास है, उसका 10 kg मास है, कि जो उसमें है ना 10 किलो उसमें कंटेंट भरा हुआ है अंदर, जैसे एक बॉल ले लिया आपने वो 10 केजी किया। अब आप बोल रहे हो मेरे पास फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है न्यूटन का फोर्स, अगर आप मैं बोल फोर्स है भाई किधर का फोर्स है, तुम किधर फोर्स लगा रहे हो, उसके लिए तुम्हें डायरेक्शन चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप दीवार मान लीजिए, आप इधर फोर्स लगाओगे तभी वो मान पाओगे ना कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। आप 10 किलो का वजन लेके घूमते रहो कि आप मैं 10 किलो कुछ ले रहा हूँ, उसका डायरेक्शन नहीं है ना किधर भी, कहीं भी लेके घूम लो तुम उसे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब किसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, मतलब डायरेक्शन नहीं है मैग्नीट्यूड है। ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी नीचे लगती है हमेशा अर्थ पे, मोमेंटम मतलब जिधर को स्पीड ज़्यादा होगी उधर को मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेट कि वेट एक बेसिकली ग्रेविटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा वेट निकलता है। तो यहाँ पे एक ही ऐसी क्वांटिटी बची जिसमें डायरेक्शन नहीं है, वो है मास, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी स्केलर क्वांटिटी। बढ़ते 73 क्वेश्चन पे, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें को कोई लाइट पास नहीं हो सकती, आप ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें को आप लाइट डालोगे वो पास नहीं होगी, जैसे एक ग्लास है तो शीशा टाइप में आप लाइट डालोगे वो ऐसे निकल जाएगी, उसमें से पानी है पानी में से लाइट निकल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे धुंधले ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कुछ यू नो गंदे शीशे या कुछ ऐसे मान लो ओपेक वो ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से आधी लाइट जाती है, तुम कहते हो ना कि धुंधला दिख रहा है इसमें से कोई, या गूगल्स लगा लो उसमें थोड़ी क्लियर लाइट नहीं जा पाती एकदम, थोड़ी हल्की लाइट जाती है उसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, लेकिन उसमें पूछा कि बिल्कुल ही लाइट ना जाए उसको कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन मून सरफेस। आप एक बात ध्यान रखिए, मून के और अर्थ के केस में अगर आपका वेट यहाँ पे m है, अर्थ पे आपका वेट m है, तो वहाँ पे मून पे जाके m/6 हो जाएगा, मतलब कम वेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी इसने कहा कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे आके तुम्हारा वेट कितना होगा, अगर तुम मेजर करो मून पे, मून पे अगर तुम्हारा 10 kg वेट है, तुमने वहाँ पे मून पे गए वहाँ पे तुम्हारा 10 kg निकला, तो तुम्हारा यहाँ पे अर्थ पे कितना निकलेगा। तो अगर आपका अर्थ पे 1 kg है ना, तो मून पे जाके 1/6 kg हो जाएगा तुम्हारा, मतलब घट जाएगा 6 टाइम। तो अगर वहाँ पे इनका 10 kg है
तो यहाँ पे आके इनका 6 टाइम बढ़ना चाहिए ना, जब वहाँ पे 6 टाइम कम हुआ है यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर वहाँ पे 10 केजी है तो इसको 6 टाइम बढ़ा दो, कितना आएगा, 6 9 60 केजी। सिंपल इसका हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते 675 क्वेश्चन पर। द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, भाई जो सोल्यूशन में डिजोल्व होती चीज़ें उसकी रेट किस पे डिपेंड करती है। सपोज़ तुमने ना एक बाउल लिया, ये बाउल है आपके पास, इसमें तुमने कुछ चीनी डाल दी, ये चीनी है ठीक है। अब इसमें आपको डिजोल्व करनी है, आप सीधे ऐसी चम्मच घुमाते रहिए बहुत देर में होगी ठीक है। अब तुम इस पर प्रेशर बढ़ा दो, यहाँ पे इसको आप दबाना शुरू कर दो, किसी पिस्टन को लेके दबाना शुरू कर दो, तो इससे कौन सा आपकी चीनी घुल जाएगी। अगर आप नीचे आग जलाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ऑफकोर्स ये जल्दी घुल जाएगी, समझ रहे हो। जब चाय बनाते हो तो चीनी डाल देते, गर्म में बहुत जल्दी घुलती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो रेट है डिजोल्यूशन की वो बढ़ जाएगी ठीक है। इन्होंने पूछा है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो डिजोल्यूशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन पे। सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सैनिटाइज फॉर, ओ यार सैनिटाइजर याद आ रहा है इस कोरोना के, उसमें सैनिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज ठीक है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के बारे में सेंसिटाइज करना चाह रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू डू ठीक है। फर्स्ट है कंडक्टिंग अ डिबेट ऑन क्लासरूम, सेकंड है ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर, थर्ड है पोस्टर मेकिंग, एंड फोर्थ है हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट ए नेचर नर्चर प्लांट। इसमें एक आपकी सबसे सही स्ट्रेटजी क्या होगी आपको वो बताना है। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के बारे में स्टूडेंट्स को स्टैंड वो या क्या कहते हैं इसको सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले अगर आप बच्चों को एक डिबेट करा रहे हैं, कोई इसमें फेवर में बोलेगा कोई इसमें अगेंस्ट में बोलेगा, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ग्रुप डिस्कशन करा दिया आपने, पोस्टर मेकिंग करा दी, लेकिन सबसे हेल्पफुल क्या होगा, आप बच्चे को कहे कि एक एक पेड़ अपने घर में लगाओ और उसको केयर करो ठीक है। तो उससे क्या होगा, सब बच्चे अपना पेड़ लाएंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस और उसको कैसे केयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत तुम कवर कर लोगे अगर बच्चे को एक पेड़ को अडॉप्ट करने के लिए बोलोगे। बढ़ते 77th क्वेश्चन पे। अब है आस्क हिज स्टूडेंट्स टू डू सर्वे इन ग्रुप ऑन डिजीज दैट पीपल्स इन देयर नेबरहुड सफ़र फ्रॉम। अब एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि अपने नेबरहुड में जो डिजीज से लोग सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में तुम सर्वे करो, डेटा कलेक्ट करो। द सर्वे इज नॉट मैंशनड इन टेक्स्ट बुक में सर्वे मैंशन नहीं है। विच ऑप्शन इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, इस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी देगी स्टूडेंट्स को। सेकेंड है इट हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, ओके। थर्ड है इट एनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टूगेदर। फोर्थ इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे आर सफर्ड फ्रॉम ठीक है। ये कौन सा जो एक स्टेटमेंट है वो इस टीचिंग लर्निंग के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आप मुझे इसके लिए जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि अभय ने अपने स्टूडेंट्स को सर्वे करने के लिए भेजा है जो कि टेक्स्ट बुक में मैंशनड नहीं है ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है। देखो इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने के लिए, इसमें मिल रहा है कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सही। थर्ड में है इट एनेबल द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग, अगर वो सर्वे करेंगे देखेंगे कि घर फैमिली में कितने हैं या कितने लोग इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, अदर डिजीज से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें डेटा हैंडलिंग का भी मौका मिलेगा। फोर्थ में है इट हेल्प द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड डिजीज दैट, भाई अगर बच्चे जा रहे हैंडल पूछने तो उन्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमें कौन सी डिजीज़ है, तभी वो डेटा बना पाएंगे, तो ये इसके लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। 78 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आंसर पढ़ेंगे। टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन, प्रिया आस्क चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस व्हेन दे फेस्ड एनी इमरजेंसी, चिल्ड्रन नेटेड देयर एक्सपीरियंस विद फायर, इलेक्ट्रिक शॉक एंड रोड एक्सीडेंट्स। सी आस्क द क्वेश्चन असेस देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग and discussion safety aspects using resource such as road safety advertisement from newspaper and also used LPG and electric bills to discuss safety guidelines, no fire and no electric shocks respectively. Which is the most appropriate approach that PDA employs?
कोग्निटिव, फर्स्ट है कोग्निटिव अप्रोच। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ उसमें क्या पूछा पढ़ाया गया है। जो एक टीचर है प्रिया, उसने बच्चों से उनके जो एक्सीडेंट होते रहते हैं उसके बारे में, उसने बच्चों से उनके खुद के जो थॉट्स है जो उनके साथ दुर्घटनाएं हुई उसके बारे में उन्होंने डिस्कस करना चाहा। तो बच्चों ने तरह तरह की चीज़ें बताई कि बिजली के झटके, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, आग, जो LPG से आग लग जाती है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो फर्स्ट इसमें जो जो यूज़ कर रही है जो टीचर है, कोग्निटिव अप्रोच। सेकंड है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। थर्ड है इंक्वायरी अप्रोच। एंड फोर है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो आप ही बताइए इसमें इन्होंने कौन से अप्रोच को इस्तेमाल किया है। ठीक है, वेरी गुड। इंक्वायरी अप्रोच, यहाँ पे बच्चों से इंक्वायरी ले रही है कि आपने कैसे कैसे एक्सीडेंट किए, वो कैसे फेस किए, तो उस बारे में इन्होंने इंक्वायरी किया बच्चों से, इंक्वायरी अप्रोच यहाँ पे आंसर सही होगा। तो बढ़ते हैं हम 79th क्वेश्चन पे। यह है कम्युनिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स बिकॉज, जो कम्युनिटी है वो एक टीचिंग लर्निंग का एक बेटर रिसोर्स है क्यों। फर्स्ट है इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड एसेसिबल। हाँ, ये सस्ता और सुलभ, इसमें क्या भाई सस्ती, सोसाइटी कब से सस्ती हो गई ये देखते हम। सेकेंड है elderly पीपल्स आर वाइज एंड हैव टाइम, जो बड़े लोग होते हैं वो मतलब उनके पास बुद्धि होती है और टाइम ज़्यादा होते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। थर्ड है इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। ये बहुत सही एग्जांपल लग रहा है कि जो एक इंट्रैक्शन होता ना वो मिल रहा है बच्चों को। ये नहीं है कि बड़े लोग फ्री होते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, जाके बच्चों को चिपका दो उन पे और लेते रहेंगे ज्ञान वो उनसे, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि तुम्हारी सोसाइटी मतलब फ्री में आपको प्रोवाइडेबल है। अगर सोसाइटी को तुम्हारी नॉलेज ना हो तो फ्री में है, तुम जाके कभी भी जाओ, क्या तुम्हें वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। तो इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, ठीक है, यहाँ से आपको रियल में एक जो रियल फेस होता है ना सोसाइटी का वो तुम्हें परसेप्शन मिल जाएगा यहाँ से। बढ़ते 80 क्वेश्चन पे। इन EVS टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड स्कूल्स एंड एनरिच इट इम्प्लाइज, अगर आप टीचिंग लर्निंग को आउटसाइड क्लासरूम से लिंक कर रहे हो तो उसमें क्या मतलब, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट करेक्ट करना है या चूज करना है। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हमें टेक्स्ट बुक से बाहर जाके वो हमें ज्ञान मिल रहा है। थर्ड है लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज एंड कॉन्सर्न। थर्ड है होल स्कूल अप्रोच, ठीक है। सेकेंड है गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, करिकुलम से तुम्हें बाहर नहीं जाना है क्योंकि करिकुलम ही सेट करते हैं। तो इसका मुझे आंसर बताइए, अगर तुम टीचिंग को अपनी को बाहर से जोड़ रहे हो, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, तुम टेक्स्ट बुक से अलग कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए कह रहे हो जो तुमने किताब में पढ़ लिया, मान लो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, लेकिन तुम उसको रियल लाइफ में अवेयर करो, ठीक है, उसको खुद बच्चों को उन पे अप्लाई करने के लिए कहो, ठीक है, तो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। बढ़ते 81 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स रामा टॉट दैट ए फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर फैमिली एंड इफ ग्रैंडफादर एंड अदर रिलेटिव स्टे अलोंग देन इट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली। वाट डू यू थिंक ऑफ दिस, एक स्टूडेंट है उसने कहा कि अगर पेरेंट मदर फादर एंड उनके बच्चे साथ रहते हैं तो एक न्यूक्लियर फैमिली, अगर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव भी साथ में रहने लगे तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो 81 के क्वेश्चन की मैं वो पढ़ देता हूँ कमेंट, वो जो ऑप्शन है। तो फर्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली इज इनकरेक्ट, ये जो इसने वो दी है फैमिली की डेफिनेशन ये इनकरेक्ट है। सेकेंड है रामा इज एक्सटेंसिव टूवर्ड हिज स्टूडेंट हेयर स्टूडेंट, जो रामा है वो इनसेंसिटिव है अपने स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड है द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो इंक्लूसिव नहीं है। फोर्थ है द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। आप बताइए कि एक जो रामा है उसने ऐसे पढ़ाया कि मदर फादर एंड देयर बच्चे एक साथ रहते तो न्यूक्लियर फैमिली, अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ आ जाए तो एक्सटेंडेड फैमिली। टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं है, ठीक है, समझ गए, अगर वो इस तरह से पढ़ा रही है, टीचर इस तरह से पढ़ा रही है। तो बढ़ते 82 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी या एक्टिविटीज इन क्लासरूम,
फर्स्ट है पिक्चर रीडिंग, सेकंड है फील्ड विजिट, थर्ड है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है? ऑफ कोर्स अगर आप पिक्चर रीडिंग करा रहे हो ऑफ कोर्स एक्टिविटी है, फील्ड विजिट करा रहे हो वो भी एक्टिविटी है, एंड यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड वो भी एक्टिविटी ही है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते 83 क्वेश्चन पे। एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम मे लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज, जो एनवायरमेंटल स्टडीज का करिकुलम है मे लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक पूर्णतः उसको पढ़ाने में सहायक मतलब बन जाती है, इफ़ इट इज़ अगर इंटीग्रेटेड हो, इंक्लूसिव हो, थीमेटिक हो एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 83 का हमें बताना है कि किस तरीके से जो वो है होलिस्टिक बन जाती है हमारी EVS अगर उसके साथ कौन कौन हो, इंटीग्रेटेड हो, वेरी गुड, अगर हम उसे अलग सब्जेक्ट के इंटीग्रेट करके बिठाए, इंक्लूसिव हो, वेरी गुड, अगर हम उसमें अलग अलग तरह से देखें कि मतलब ये उस साइड का मतलब उस बैकग्राउंड का बच्चा है, ये अलग स्टेट से है, वो अलग स्टेट से है, ठीक है, हम उनके बारे में भी जान पाएंगे। थीमेटिक हो कि उसका कुछ पर्पज हो, उसका कुछ थीम हो। तो जब तीनों हमें मिल गए तो आंसर हमारा ऑफ कोर्स फोर्थ होगा। बढ़ते 84 पे। द EVS टेक्स्ट बुक हैज़ ए चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर, इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज। तो फर्स्ट है अगर एक जो वो है ना चैप्टर है जो सपेरो वाला चैप्टर है EVS में, शायद फोर्थ क्लास का फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर है EVS का, तो ये बच्चे को कैसे अवेयर करता है और किस तरह से सेंसिटाइज करता है। फर्स्ट है दैट इज़ अ लीगल एक्ट, ये एक लीगल एक्ट है। सेकेंड है फॉर स्नेक चार्मर एज चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज, कि बच्चे उन्हें मतलब देखते नहीं हैं सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें देखते नहीं हैं। अच्छा, मतलब जो सांप है वो इस तरह बच्चे नहीं मिलते तो वो आ जाते हैं सांप दिखाने के लिए। अच्छा जी, द स्नेक चार्मर डू नॉट हार्म स्नेक एंड दे नीड टू प्रोवाइड विद अल्टरनेटिव्स बिफोर डिप्रीविंग देम ऑन देयर लाइवलीहुड्स। ऑफकोर्स जो सपेर होते हैं अगर वो आपको कुछ खेल दिखाने आ रहे हैं, कुछ तमाशा दिखाने आ रहे हैं, तो वो उनका एक लाइवलीहुड का सोर्स है। बढ़ते हैं हम 85 क्वेश्चन पे। विच इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल, मिड डे मील टाइम के स्कूल के लिए कौन सा रेलिवेंट है? इट हैज़ नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग, कि इसका को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे कोई इसका वास्ता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सेकंड है इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग, EVS टीचिंग लर्निंग के लिए एक अच्छा अवसर है। सेकंड है इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक फ्रॉम टू स्कूल, जो घर से बच्चे बेचारे खाली पेट या आते हैं उनके लिए एक वो बना गया है ये। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रीसीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग, इससे जो टीचिंग लर्निंग का टाइम है प्रीसियस टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये एक इसके जो इसका मेन पर्पज है वो है गुड, इट इज़ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग, ठीक है, EVS को पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन के रूप में हम इसे मान सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। 86 में पढ़ते हैं हम, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाइड, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है कि हम अगर इस पर इन्वायरमेंटल स्टडीज में ला कर देखें, लाइट वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल बैग का वजन कम कर देना, ठीक है, लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन EVS टेक्स्ट बुक, EVS टेक्स्ट बुक के चैप्टर कम कर दो। थर्ड है लीड टू इनकम्प्रिहेंशन नीड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, जो बच्चों की इनकम्प्रिहेंशन ना लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंशन की एक भार डाल देते थे, मतलब बच्चों को रटाना वटाना वो सारी चीज़ें उसको कम करना है बेसिकली, लोड मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, बर्डन नहीं बच्चों को कंस्ट्रक्ट करने दो, उसको फील करने दो चीज़ों को, ठीक है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन का बेसिकली सिंपल यहाँ पे फंडा ये है। बढ़ते 87 क्वेश्चन पे, व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व्स इन एन EVS क्लासरूम, जो EVS क्लासरूम है उसमें जो ग्रुप लर्निंग है उसका क्या उद्देश्य है? बॉयज़ एंड गर्ल लर्न सेपरेटली, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली, जो बच्चे हैं वो अलग अलग सीख सकते हैं। सेकंड है टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मर्स एंड लो अचीवर स्टूडेंट्स एंड टू डू रेमेडियल टीचिंग, जो बच्चे हैं उनको सेग्रीगेट करना
और लो अचीवर, उनको बेसिकली रेमेडियल टीचिंग देना, ठीक है। थर्ड है टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू एनेबल चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली टू लर्न। बच्चों को मतलब उनको कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रदरहुड, उनको ये सारी जो मॉरल वैल्यूज है उनके लिए प्रेरित करना। ये मुझे तो बहुत सही आंसर लग रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन हम फोर्थ भी देखते हैं, टू मैनेज स्टूडेंट्स इजिली एंड रिड्यूस वर्कलोड। ये कुछ भी नहीं है कि हम बच्चों को एक आसानी से मैनेज कर सकते हैं ग्रुप लर्निंग में और वर्कलोड कम कर सकते हैं। बच्चे में वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए किया जाता है। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।